सितारगंज में बड़े धूमधाम से छठ पूजा मनाई गई है, जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा की गई है। इस त्यौहार में महिलाएं अपने परिवार के लिए सूर्य भगवान से प्रार्थना करती है कि उनकी मन्नत पूरी हो। छठ पूजा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। चार दिन से स्टार्ट होता है, पहले नहा खा से स्टार्ट होता है, कल खरना का पर्व था, आज संध्या अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह के अर्घ के साथ एक पर्व की समाप्ति हो जाएगी। ये बहुत सारे कारणों हैं इसके पीछे, जिनको पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्ति के लिए मांगते हैं, जिनके अंधे होते हैं उनको वहाँ, इस तरह की काफ़ी हमारी धारणाएँ हैं इसके पीछे बहुत सारे। और हिंदू मान्यता के अनुसार जो सूर्य की है सबसे सर्वशक्तिमान देवता होते हैं, और देवता को हम मूर्ति पूजा करते हैं ये पूजा करते हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान दिखने वाला एक सूर्य ही होते हैं जिसकी पूजा की जाती है। पहले दिन आज डूबते हुए सूर्य की अर्घ दिया जाएगा और कल फिर उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है इसमें। और यह बहुत बड़ा त्यौहार है जो हिंदुओं के लिए, सभी हिंदुओं के लिए बहुत ही आस्था का त्यौहार है। भगवान की पूजा की जाती है, आज डूबते हुए सूर्य की अर्घ दिया जाता है। तीन दिन का व्रत रहता है, न्यूज इंडिया, और एक दिन जो खाते हैं तो चावल खाते हैं, तो खरना होता है जो पूरे दिन उपवास रह के शाम को खीर रोटी बनती है, उनकी नैवेद निकलती है, पूजा होती है, फिर वही ग्रहण करते हैं जो व्रती रहते हैं, वही खीर रोटी ग्रहण करती है। और आज पूरे 24 घंटे की सूर्य अस्त की अभी पूजा होगी और सुबह सूर्य उदय की पूजा होगी, अर्घ देंगे।